हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने डोमिनार 400 को लेके इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नॉलेज आपको देना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि डोमिनार 2023 में ज़बरदस्त एसेसरीज लग के आई है, बट उसमें एक छोटी सी कमी है। मतलब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसमें जो विंड ब्लास्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उसी विंड ब्लास्ट को रोकने के लिए मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है जिसका नाम है प्रोस्पेक इजी विंडशील। अब इसमें मैं आपको, चलो खैर, मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि प्रोस्पेक विंडशील में हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले इसमें एक मैनुअल मिली है जिसमें आपको किस तरह विंडशील लगाई जाएगी वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और एक स्टिकर मिला है, स्टिकर स्टिकर मिला है, और साथ ही साथ आपको एक की रिंग मिला है, और एक एक आपको एलन की मिली है, और इस पे शायद एक वारंटी कार्ड का नंबर भी दिया हुआ है, और एक स्टिकर, और ये क्लिप है जो आपके विंडशील्ड पे लग जाएंगे, और इसमें एक स्क्रू दिए गए हैं जो टाइट करने के लिए, और फिर आपको एक विंडशील्ड, अरे देखने में तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत लग रही है, और इस विंडशील्ड का नाम है प्रो स्पेक विंडशील्ड। और ये प्रो स्पेक विंडशील्ड आपका जो विंड ब्लास्ट है उसको काफ़ी हद तक कम करने में आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स अब देखते हैं हम इसको कैसे फिक्स करते हैं अपनी डोमिनार 400 की विंडशील्ड पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो क्लिप दिए हुए होते हैं इन क्लिप को हम अपनी डोमिनार के विंडशील्ड पे अच्छे से एडजस्ट करते हैं इस एलन की हेल्प से। और इसके लिए हमको ये एलन की लेके इसको हल्का हल्का जो स्क्रू दिए हैं इनको टाइट करना स्टार्ट हम करते हैं, जिससे कि इसको इतना टाइट ना करें, जिससे हम इसको जब एडजस्ट करेंगे तो ये हमारे इतना टाइट हो जाए जिससे कि हम इसको चेंज भी ना कर पाए। सो ऐसे ही हम दूसरे स्क्लिप को भी यहाँ से एडजस्ट करते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये अच्छे से, मतलब जब आप इसको लगाएं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें कि जिससे ज़्यादा आप टाइट कर दें कभी ये स्क्रू फ्री हो जाए। तो वैसे तो ये बड़ा ही मजबूत इन्होंने इसका सब चीज़ें दी हुई हैं, पर बाई चांस कभी कभी हो जाता है कि आपने ध्यान नहीं दिया है और ज़्यादा टाइट कर दिया। इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे हमारी डोमिनार में फिट होती है। सो फ्रेंड, अब मैं इसके विंडशील्ड जो अपना इसको इसमें लगाने की, हाँ, इसके लिए मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले जो ये स्क्रू थे इनको निकाल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से आएंगे विंडशील्ड में, ऊपर से आएंगे जब जाके इसमें एडजस्ट हो पाएंगे। ऐसे ही मेरे दूसरे स्क्रू को भी मुझे उतारना होगा जिससे कि ये इसमें फिक्स हो जाए, और फिर मैं इस विंडशील्ड को अच्छे से इसमें लगा दूंगा। ये धीरे धीरे करके आप स्क्रू को टाइट करेंगे, ऐसा अगर आप एकदम टाइट कर देंगे तो थोड़ा एडजस्टमेंट में आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा। सो आप प्लीज़ इसको थोड़ा स्लो करें जिससे कि आपकी जो विंडशील्ड है वो अच्छे से सेट हो जाए। और मुझे लगता है कि ये मेरे को उतार के दोबारा ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने शायद गलत तरीके से थोड़ी फिक्स कर दी है, और मुझे लगता है कि हल्का सा मुझे दोबारा ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके सारी चीज़ों को देखा है कि यार ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें हर चीज़ काफ़ी अच्छी, तो आप भी इसको ऐसा मत सोचें कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो थोड़ी मजाक कर रहा हूँ कि ये अब जब ये इसमें फिट हो जाएगा तो ये स्लाइड करके हम इसको ऊपर नीचे कर पाएंगे। अब मैं इसको लगाता हूँ अपनी डोमिनार 400 के विंडशील्ड
ऊपर बस थोड़ा सा मैंने क्या किया है, हल्का सा इसमें एक चीज़ थी जो मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा, आप थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि इसको करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप, वैसे तो इजी है पर आप जब स्टार्टिंग में लगाते हैं तो ये काफ़ी आपको टाइम लगाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं इसको फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अब शायद फिट हो भी गया है। और फिट करने में एलन की का बड़ी बड़ी फ़ायदेमंद होती है, ये एलन की को आप हमेशा संभाल के रखें। और आप देख ही रहे होंगे इसमें एडजस्ट करने का है पूरा का पूरा, ये विंडशील्ड को आप कितना भी ऊपर ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे ये मैंने की है इसको आप ऊपर ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसको नीचे भी कर सकते हैं। और लगने के बाद कुछ ऐसी ये लगती है, आप देख रहे होंगे इसका एक लुक आता है बड़ा है, जो इसकी डोमिनार की जो ब्यूटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करता है। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।